الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيديهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تاریخ میں رب کائنات کے لیے جس نے استغفار عالم کو بھی بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آپ کا حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، مومن کی کامیابی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. کسی کامیابی کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا؟ پہلی شرط تو یہ تھی کہ اگر یہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پھر نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اپنے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ لمبی باتوں سے اعراض کرے. اسی چیز کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان کیا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. یہ جب اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے، دنیا کے اندر کیا کیا، کیسے رہا، اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں اللہ کے اوپر ایمان کے وسط پورے کرتا ہے، اور اسی طریقے سے آخرت کے جتنے تقاضے ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتا ہے. اور اسے یقین ہے کہ مجھے ایک دن مرنا بھی ہے اور دنیا میں جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے آگے دکھایا جائے گا، اس کا بدلہ مجھے ملے گا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پل یا پل خیر اچھی بات کہے، بھلائی کی بات کہے، خیر خواہی کی بات کہے، ایسی بات کہے جس سے خود کو بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو.
अगर ऐसा कर सकते हैं तो बोले, नहीं कर सकता तो फिर खामोश रहे। हमारे यहां बोलने का मामला ये होता है कि जोश के अंदर आकर कुछ भी बोल जाते हैं, या फिर 8-10 आदमियों के सामने किसी को जलील करना हो, उसको नीचा दिखाना, कुछ भी कह देते हैं, और फिर बाद में ये कहते हैं जी हमने अपने अल्फाज वापस ले लिए। बड़ा आसान होता है ये कहना कि हमने अपने अल्फाज वापस ले लिए। असल मामला ये है कि जब मैं बोल रहा था, जब मैं मैदान के अंदर था, होश मुझे उस वक्त करना चाहिए था। अब तो मैदान खत्म हो गया, मुकाबला खत्म है, अब मैं कहता जी मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। उससे पूछे कि क्या वो जो अल्फाज मैंने वापस ले लिए, उसको जो जख्म पहुंचा, उसे जो दुख पहुंचा, क्या उसका भी कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जो अल्लाह पर ईमान रखता होगा, जो अल्लाह पर ईमान रखता होगा, जो कयामत पर ईमान रखता होगा, उसकी आदत होगी कि वो भलाई की बात कहेगा या फिर खामोश है। उसकी निशानी है, उसको दुख नहीं देगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा। और अगर दुख पहुंच जाए, तकलीफ पहुंच जाए, तो फिर वो क्या करेगा? तब भी वो मिजाज अंबिया को देखेगा कि इस मामले में अंबिया का मिजाज क्या था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने अपनी कौम को दावत दी और उनसे कहा कि जो नाप तोल करते हो ना, इसमें फ्रॉड ना किया करो, धोखेबाजी करते हो इसके अंदर, तुमको ठीक ठाक हो, भले वाले हो, अल्लाह ने तुम्हें दिया हुआ है, गुजर बसर ठीक हो रहा है, फिर भी फ्रॉड करते हो, धोखा करते हो, फिर भी तलवार के अंदर। हम तो आपको बड़ा अकलमंद समझते थे। इन्ना लनरा का भी सफा आती है, वहीं ना लनरा का भी लड़का आदमी। आप तो बड़े बेवकूफ निकले हैं। पैसा हमारा है, मेहनत हमारी है, अकल हमारी है। अब आप ये चाहते हैं कि हम ये कमाई भी ना अपने पैसे से, जिस तरीके से हम अपने पैसे को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम ऐसा भी ना करें। तो ये जो आप हमें मना करते हैं, तो हमें तो ऐसे लगता है कि इन्ना लनरा का भी सफा आती है, हम तो आपको बेवकूफ समझते हैं। भी पैसा आ रहा है, किसको बुरा लगता है? मैं कमा रहा हूं, अपनी अकल इस्तेमाल कर रहा हूं। तो शेख अलैहि सलाम ने फरमाया, कैसी बात नहीं है, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं तो अल्लाह का पैगाम आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि तुम्हें समझा रहा हूं कि फ्रॉड ना किया करो, धोखा ना दिया करो। तुम धोखे को अकलमंदी कहते हो, तुम पैसे को अपना पैसा समझते हो, हालांकि अगर अल्लाह की दीवी उसकी अमानत है, तुमने कैसे इस्तेमाल करनी है वो बताएगा। बैंक से कोई चीज उधार भी देता हूं, ये चीज आप उधार लेने, उस अहम चीज है मैं उसको बता दूं, इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल के बाद संभाल के मुझे वापस करना है। अब वो चीज वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जरी बात है जब मुझे वापस करेगा, मैं पूछूंगा भाई मैंने आपसे कहा था कि मेरी चीज है, इसको ऐसे इस्तेमाल करने, आपने गलत इस्तेमाल क्यों किया इसे? तो अपन अल्लाह की दी हुई अमानत है हमारे पास, अल्लाह ने बताया कि ये जो मैं अमानत तुम्हें दे रहा हूं, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आप तुमने बदनियती की है, तो लिहाजा आप इसकी सजा तुम्हें मिली। तो इन्होंने भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आगे से कहा मेरे से बड़ा बेवकूफ तो तुम हो, कि तुम इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि अल्लाह का दिया हुआ माल है और ये अल्लाह की नेमत है, और तुम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करोगे, तो मेरे से बड़े बेवकूफ तो तुम हो। ऐसे नहीं कहा, तुम समझा भी ऐसी बात नहीं, जो तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि हमने कुछ मखसूस चीजों को इबादत समझ लिया है और उसको दीन समझ लिया, हम इसी को इबादत समझते हैं। नमाज पढ़ने को हम इबादत समझते, नमाज पढ़ ली 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, मैं इबादत कर रहा हूं, मैं रमजान के अंदर रोजे रख रहा हूं, मैं इबादत कर रहा हूं, और फिर मैं तस्बीहात पढ़ रहा हूं, मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं, ये सारी इबादत हो रही है। इस
चीज को इबादत समझने छोड़ दिया कि मैं किसी को नाराज करके बैठा हूं या मैं किसी को आगे से इस तरीके से जवाब देता हूं कि इसका दिल शर्दी हो जाता है, मुझे इससे रुकना चाहिए। अगर मैं इससे रुक रहा हूं तो ये भी इबादत कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी इबादत है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा। एक पंजाबी का शेर है, पता नहीं अपना उसको ठीक पढ़ूंगा या गलत, ये उसमें बल उसके मफहूम बता देता हूँ कि उसमें ये कहते हैं कि आपने मंदिर गिराने हैं, आपने मस्जिद गिरानी है, आपने काबा गिराना है, आप गिरा दें, जो कुछ गिरा सकते हैं गिरा दें, लेकिन एक बात याद रखिएगा किसी मोमिन का दिल ना तोड़िएगा, क्योंकि उसके अंदर तो अल्लाह रहता है। हम इसको इबादत ही नहीं समझते। मैं 10 बंदों का दिल छली करके आऊंगा और खड़े होके लंबी तहज्जुद पढ़ूंगा और बड़ा मुतमईन हो जाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने तहज्जुद पढ़ी है, रात को कितनों को नाराज करके आया हूं, मुझे किसी ने एक गाली दी मैं 10 देख के कहूंगा मैं बहाया हूं। किसी ने आवले साथ सामने फरमाया है जिसका वह है कि पहलवान वो शख्स नहीं है जो किसी को पिछाड़ दे, बल्कि पहलवान तो वो शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। इसका मुजाहरा किया है, अमली तौर पर करके दिखाया है। आप अलैहि सलातो सलाम को और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को मक्का के अंदर कितनी तकलीफें दी गई, तपती हुई रेत के ऊपर लटा दिया जाता था, बड़ी बड़ी सिलें रख दी जाती थी ऊपर, और खाना पीना बंद कर दिया गया, जुल्म की चक्की में पीस कर रख दिया गया। दो चार महीने की बात थी, 13 साल का अरसा गुजर गया ये जुल्म सहते सहते। अब तो सहाबा भी कहने लगे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, हमारी तो हालत बुरी हो चुकी है। तो फिर जब मक्का फतह हुआ तो अनस फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि मैं देख रहा हूं आप अलैहिस्सलाम मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं और इन्ना फतहना लक फतहा मुबीना, आपकी जुबान के ऊपर कुरान जारी है, आपकी निगाहें झुकी हुई हैं, आंखों से आंसू चल रहे हैं, एक फातह दाखिल हो रहा है, और फिर साथ क्या फरमाया अलैहिस्सलाम ने, मारो जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया था, टांगे तोड़कर रख दो जिन्होंने हमें तंग किया था, आज हम फाते हैं। मैं ऐसी बात नहीं है, आज जो लड़ाई नहीं कर रहा उसको भी अमन, आज जो अपने घर के दरवाजे बंद कर दे उसके लिए भी अमन है, आज जो हरम में दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमन है। और मक्का वालों को बुला के कहा ला तसरीबा अलैकुम यौम, भाई तुम्हारे ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई हम बदला तुमसे नहीं लेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अगर तुम आजाद हो छोड़ दिया हमने सबको माफ कर दिया। ये मुजाहरा करके दिखाया वक्त और अहला का। ये जो आयत पूरी है, ये जो लोग माफ करते हैं दरगुजर करते हैं, ये बहुत बहुत बड़े दर्जे की बात है, ये कमाल की बात है। तो आपने सलाम ने सबको माफ कर दिया, ये वही लोग थे जिन्होंने एक लंबे अरसे तक इन लोगों को एक जुर्म की चक्की के अंदर पीसा हुआ था, आज बदला ले सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, बता सकते थे ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है, लेकिन निकल के दिखाया कि इससे मिजाज़े अंबिया है वो ये नहीं है। एक तो दो चीजें होती हैं, हम उसमें फर्क नहीं कर पाते, एक हुक्म होता है शरीयत का हुक्म क्या है, एक शरीयत का मिजाज क्या है। शरीयत तो ये भी हुक्म देती है कि बराबर का बदला लो, उसने आंख फोड़ी तो भी आंख करो, उसने हाथ तोड़ा तो भी हाथ करो, बराबर का बदला लो, हुक्म है शरीयत का। मिजाज क्या है, मिजाज है कि माफ करो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने वालों को पसंद करते हैं, ये मिजाज है शरीयत का। हम हुक्म देखते हैं मिजाज नहीं देखते, शरीयत को मिजाज समझें, नबूवत का मिजाज समझें कि नबूवत का मिजाज क्या था। तो इसलिए जो कोई कमाल की बात नहीं है, मैं इससे बदला ले लेता हूं,
मुझे ये समझना होगा कि ये भी दीन का हिस्सा है, ये भी मैं नेकी कर रहा हूं, इसको कुछ ना कहेंगे, इस पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अजर अता करेंगे, मैं इसको नाराज करके लंबी तहज्जुद पढ़ूंगा मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं दिल दुखा के आया हूं और मैं इस नीयत से उसको मैंने जलील किया कि मेरी बड़ाई हो, मैं बड़ा हूं, अगर तो इसको बोलने किसी की हिम्मत क्या है कि मेरे सामने बोले। और ये तो जमाने जहलियत की बात नहीं है कि जब अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे और लोग शरीयत से वाकिफ नहीं थे तो लड़ाई में तो उस वक्त हुआ करती थी, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हुई और फिर कई साल तक वो चलती रहती थी, बाप मरने लगता तो वसीयत करके जाता कि मैं मरने लगा हूं ऐसा करना कि सब कुछ माफ कर देना, लेकिन हमारे फुला बंदे के साथ लड़ाई है और उसके साथ हमारे कत्ल हुए हैं उसको नहीं छोड़ना। अच्छा ये ठीक है, आपको बेटा उसकी लड़ाई करता, अब वो जब मरने लगता वो आगे अपने बेटे को वसीयत करता सब कुछ माफ कर देना, लेकिन वो तुम्हारे दादा का कातिल है और फुला का कातिल है उसको माफ ना करना, अब उसके पीछे पड़ जाता और ये नस्लों तक लड़ाइयां चलती रहती। मुहद्दिसीन ने लड़ाई का जिक्र किया बसूस उस जंग को कहते हैं, वो लड़ाई शुरू कहां से हुई, वो लड़ाई शुरू ऐसे हुई कि एक मौलवी का बच्चा था वो किसी खेत में चला गया और वहां जाकर उसने कुछ खेत को खराब किया, इस बात के ऊपर तो तुम्हें हुई वो लड़ाई हुई और 40 साल तक ये लड़ाई चलती रही, 40 साल तक। तो ये हमारे अंदर जो लड़ाइयां हैं तो ये सिर्फ ये जमाने जहलियत की बात है, अगर हम ये समझते हैं कि हम अब तरक्की याफ्ता हो गए हैं तो सबसे पहले तो ये काम करना होगा कि हमें अपने दिल साफ करने होंगे दूसरों की तरफ से, क्योंकि सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता वो है कि जिसको कुरान की जितनी ज्यादा समझ है, जिसको शरीयत की जितनी ज्यादा समझ, जो शरीयत को भी समझता है, जो मिजाज़ी शरीयत को भी समझता है, जो नबूवत के अहकाम को भी समझता है और मिजाज़ी नबूवत को भी समझता है, वो सब ज्यादा तरक्की याफ्ता है। ये जो लड़ाइयां हैं, हम लड़ाई लड़ के हम कहते हैं बहुत बहादुर हो गए, ये तो कुछ नहीं है, कुरान और हदीस हमें बताती है, पुराने दौर की जिसों के जाहिल लोग आबाद थे उनकी बात है जो लोग लड़ाइयां कर रहे हो। अब जहलियत का जमाना खत्म हो गया, आप अलैहिस्सलाम उन लोगों के लिए एक इल्म की रोशनी लेकर आए और उस इल्म की रोशनी के अंदर हमें ये बात पता चलती है कि हमें बदला नहीं लेना, हमें माफ करना है, हमने आदत अपनाने हमें माफ करना है, माफ करने वाले हैं। आपने सलाम के कायफ का वाक्य सबके सामने है, माफ किए, तो इसको सबसे पहली बात है कि हम इसको नेकी समझेंगे, माफ करने को, दरगुजर करने को नेकी समझेंगे, ये इबादत है। जब हम इसको नेकी समझेंगे, जब हम इसको इबादत समझेंगे, तब जाकर ही हमारे मिजाज के, हम नमाज को इबादत समझते हैं, हम करते हैं, पढ़ते हैं उसे, कुरान पढ़ने को इबादत समझते हैं, हम पढ़ते हैं उसे, तो जब हम इसको भी इबादत समझेंगे, इसको भी नेकी समझेंगे, फिर हम इसे भी करेंगे। मसला यह कि हम इसको नेकी समझा पाएंगे, भाई भाई से नाराज है, बहन बहन से नाराज है, औलाद माँ बाप से नाराज है, माँ बाप औलाद से नाराज है, रिश्तेदारों के अंदर आपस में फकत ताल्लुकी चल रही है, एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। अब देखिए दुनिया में कितना अमन और सुकून हो जाएगा जब हम एक दूसरे को माफ करने वाले बन जाएंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले बन जाएंगे। इस वक्त नचाकियां से किसी चीज के ऊपर है बर्दाश्त नहीं है, और पहलवान तो वो है कि जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स के ऊपर काबू रखता है, उसके ऊपर असबाब हैं, वो गुस्सा कर सकता है, वो बदला ले सकता है, लेकिन वो अपने नफ्स के ऊपर काबू में रखे हुए हैं। क्या अलैहिस्सलाम ने पहलवान तो उसे कहा जो अपने आप को काबू में रख रहे, एक तो ये ना कि जो बदला ले नहीं सकता, वो कुछ कह नहीं सकता, वो कह जी नहीं जी मैंने अपने नफ्स को काबू में रखा, मैं बड़ा इज्जत का मुस्तहिक हूं, कुछ भी नहीं है, क्या अजर है, बदला देगा तो डबा खाएगा और पीटेगा, तो अच्छा ये आपके किसी में खामोशी रहे। तो ये जो बदला भी ले सकता है, बात भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, अगर ये खामोश रह रहा है अजर इसके ऊपर है, अजर के जो वादे वो इस शख्स के साथ है, ये सब कुछ करने के बावजूद अपने आप को काबू में किए हुए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की सही समझ नसीब फरमाए। एक अहम ऐलान है, सुन लें, दरस कुरान हमारे यहाँ चलते हैं हफ्ता और इतवार को,
इनके दिन तब्दील करके इंशाल्लाह हम ये पीर और जुमेरात को इंशाल्लाह हुआ करेंगे, पीर और जुमेरात में इंशाल्लाह दस सवाल होगा। तो पास साइड कर उसको कौन साइड कर।